दिनांक 26 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे से बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामुदायिक भवन नगला टेकचंद देवरी रोड आगरा उत्तर प्रदेश में बीडीपी राष्ट्रीय महासचिव दिनेश कुमार गौतम की उपस्थिति एवं बीडीपी प्रदेश उपाध्यक्ष कमल सिंह लोधी की अध्यक्षता में बहुजन द्रविड़ पार्टी इकाई आगरा मंडल की एक महत्वपूर्ण मासिक बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में गत माह का राज्य स्तरीय कार्यावलोकन करने के बाद महासचिव दिनेश कुमार गौतम ने बैठक को संबोधित करते हुए देश भर में चल रही पार्टी गतिविधियों की जानकारी दी। तदुपरांत पार्टी पदाधिकारियों को प्रदेश भर में जल्द से जल्द बूथ स्तर तक की कमेटियां नियुक्त करने का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इसी के मद्देनजर महिलाओं की आधी आबादी को बहुजन द्रविड़ आंदोलन से जोड़ने और राजनीति में उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मशीनरी कार्यकर्ता एडवोकेट सावित्री सिंह को बहुजन द्रविड़ पार्टी इकाई महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। तत्पश्चात आगामी 3 जनवरी 2022 को आगरा में बीटीपी महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सावित्री सिंह की अगुवाई माता सावित्री बाई फुले और आदिवासी हितों के अगुवा कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा का जन्मदिवस मनाने की पूर्व घोषणा कर सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को अभी से कार्यक्रम की तैयारी में जुटने के निर्देश दिए गए। बैठक का सफल संचालन बीडीपी जिला महासचिव आगरा सुनील कुमार केम जी ने किया। खड़ा कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने भय का वातावरण स्थापित करके लोगों को तितर बितर कर दिया है। हमारा इस चुनाव में खास तौर से समस्त पिछड़ी जातियां जिनको पिछड़ा गया है साजिश और षड्यंत्र के तहत पिछाड़ करके उनको पीछे लगा करके जो इस सत्ता में आए हैं और शासन कर उन्हीं पर शासन कर रहे हैं जिनके बदौलत सत्ता में आए, तो हम लोग पूरे देश और प्रदेश के लोगों को ये बता रहे हैं कि आप लोग पीछे लगे रहेंगे तो पीछे बने भी रहेंगे और पिछाड़े जाते रहेंगे, तो आप सब लोग एक होके आगे आइए। और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की जो सरकार है उन सरकारों के साथ साथ देश की शासक समाज बन सकते हैं, आप उसमें राजनीतिक सामाजिक भाईचारा बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो आज देश की सत्ता पर हैं या प्रदेश की सत्ता पर हैं न वो लोकतांत्रिक हैं न वो संवैधानिक हैं न संसदीय हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं हमारे देश के अंदर जो संसदीय लोग हैं संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं संसदीय जीवन जीना चाहते हैं संसदीय माहौल इस देश में लाना चाहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो इस देश में है उसका सम्मान करते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए संसदीय भाषा का संसदीय जीवन का हमें पालन करते हुए एक सोच पैदा करने की जरूरत है कि अगर हम लोग दूसरों को नजीर दें या दूसरों को शिक्षा दें तो हम स्वयं में उसको पालन करें, जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं वो स्वयं से भी वैसा ही करें, लेकिन हो क्या रहा है हम दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप हमारा सम्मान करिए लेकिन हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे, तो ये सिस्टम देश भर में एक लागू किया गया है, एक व्यवस्था ऐसी बना के हजारों सालों से जो चली आ रही है उसी व्यवस्था को ये राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो ये सभी लोग वो हजारों सालों की सड़ी गली व्यवस्था है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयासरत है और सत्ता में है, तो हम ये चाहते हैं जो सड़ी गली व्यवस्था है उसे उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों को ये कौन जा सकता है। समस्त पिछड़ी जातियों को जिनको पिछड़ा गया है जिनको हम लोग संवैधानिक रूप से अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी कहते हैं अनुसूचित जाति एससी कहते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी कहते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक रिलीजियस माइनॉरिटी इनको बहुजन द्रविड़ समाज हम लोग कहते हैं, ये माननीय काशीराम साहब ने हम लोगों को परिभाषित करके बताया जो बहुजन द्रविड़ समाज है
किसको आज नहीं तो कल एक होना होगा। और ये आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हमारी पार्टी का नाम ही अपने आप में कश्मीर से कन्याकुमारी है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत और उत्तर भारत से दक्षिण भारत, संपूर्ण भारत को और संपूर्ण भारत के बहुजन द्रविड़ समाज को एक करने का हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इस चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तैयारी हमारी पूरी है।